नहीं बाहर नहीं। हेलो, ये देखो दोस्तों, अभी अभी मैं बात कर रही थी फोन पे, तो यहाँ के मैनेजर ने बोला कि मंकी कॉल कर रहा है और मंकी की कॉल बहुत सटीक होती है। ये देखिए बिल्कुल पास में है लेपर्ड या टाइगर, मंकी की आवाज। खोलिए मत, खोलिए मत, बाहर भी जाते हो। मंकी कॉल कर रहा है, इसका मतलब लेपर्ड या टाइगर यहीं पर ही है। और बीच में किसकी आवाज है? मंकी है, इसका मतलब लेपर्ड होगा आसपास। ये लेपर्ड यहीं पर कहीं है। ये देखिए पेड़ पर चढ़ के मंकी पर अटैक भी कर सकता है, इसलिए वो कॉल कर रहा है। लेपर्ड एक ऐसा जानवर है जो टाइगर ऊपर नहीं चढ़ सकता। अपनी अपनी सुरक्षा कीजिए। अच्छा, ग्रुप लीडर है? ग्रुप लीडर है मैं। अच्छा, ये मंकी? ये मंकी सर, जो हमें अलर्ट किया। अभी हम यहीं वॉक कर रहे थे, अभी मैंने आपको वॉक दिखाई थी, हम यहीं तो वॉक कर रहे थे। मैं यहीं पर खड़ी हुई थी अभी, और यहीं पे लेपर्ड था और यहाँ पे मंकी अभी कॉल कर रहा है। ये देखिए आप। अच्छा, इतनी देर तक मंकी की कॉलिंग चल रही है, स्ट्रेस कॉलिंग है ये, और ये ग्रुप लीडर है, ये सारे मंकी इसको अलर्ट कर रहे हैं। और आपकी कितनी हाइट है? अमिताभ बच्चन से कम है कि उतनी है? कम। उससे कम है? कितनी हाइट होगी आपकी? देखिए हम लोग क्योंकि बिना ऑनियन गार्लिक के खाते हैं खाना, तो लोगों को परेशानी तो होती है, लेकिन फिर भी हाइट देना, राइट, कैंडल लाइट एंड कैंडल लाइट देना। रंग बदलता है ये ट्री। आप नेचुरलिस्ट से जब बात करेंगे तो इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे। सराउंडिंग्स आप आराम से घूमिए, बड़े बड़े लॉन्स। हम लोग को बहुत देर तक, 5 मिनट तक हम लोग वहीं पे थे। अरे वाह। और एक स्लीपिंग मोड में था, रेस्ट मोड में था। एक रेस्ट मोड में था, रेस्ट मोड में था, बहुत बड़ा था, अच्छा बड़ा। रियली, हेलो एवरीबॉडी। देखिए आपके रिजॉर्ट आते ही बैटरी खत्म हो गई थी, तो अभी दोबारा लगाई तो कराते चेहरे। और ये जो हमारे साथ हमको लेकर आए हैं, अमेजिंग पर्सन है और बहुत नॉलेजेबल है, हर चीज की नॉलेज है। क्योंकि रूम्स दूर हैं और ये पूरा जंगल का इलाका है, तो हम लोग देखो इसमें जाएंगे, लगेज इसमें जाएगा और वहां पे हम पहुंचते हैं और हम इनको विदा करते हैं अभी, और इनके साथ हम सफारी में घूमेंगे जरूर। और वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, और आपके साथ ट्रैवलिंग में मजा आ गया, थैंक यू सो मच। तो देखिए टुक टुक सफारी में हम लोग चल पड़े हैं अपने रूम की तरफ। लेट अस सी कि यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। रिवर वॉर्ड रिट्रीट, रॉक्स देखिए आप, घोस ट्री भी है, वो घोस ट्री है, और ये लेपर्ड का इलाका। सुनिए मेरी बात, यहाँ आ सकते हैं कभी लेपर्ड्स? हाँ मैम, आ जाते हैं। सच में? देखिए पूरे रॉक्स के बीच में, जंगल के बीच में रहने का मौका मिला है रिवर वुड रिट्रीट में। हम आपको हरे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे, जो डूबना हो तो इतने सुकून से डूबो कि आस पास की लहर को भी पता ना लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। पेड़ देखिए कितना सुंदर है, खूबसूरत है। वन जीरो सेवन हमारा रहने का 2 दिन का ठिकाना। नो एंट्री क्यों है यहाँ पे? किसी डर जानवरों को? हाँ बस ऐसे ही हो, मैं कुछ रूम नहीं है। अच्छा देखते हैं अपना रूम कैसा है। रूम, वाह, बिग एंड स्पेशियस रूम, थोड़ा लाइट जला दे।
देखिए कितना स्पेशियस रूम है, आप यहाँ पे बैठ भी सकते हैं। वेरी नाइस। हाँ आप, आपको दिखाएंगे ये चिक खोल के, देखते हैं बाहर का क्या व्यू है। रिवर कहाँ है यहाँ पे? रिवर नहीं है, पॉन्ड है। एक खेत है। अच्छा ये खेत का व्यू है, लेकिन रिवर भी है ना यहाँ पे आगे? तालाब है। अच्छा एक बात पूरा खोल दे, सब खोल दे, हमें तो यही चाहिए। देखिए कितना बढ़िया व्यू है यहाँ पे, आप यहाँ पे घूम भी सकते हो इधर। ये देखिए कितना खूबसूरत ट्री है यहाँ पे, तो पेड़ इतने सुंदर हैं कि बस आप देखते रह जाएं कितने। और ये हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट की तरफ, अभी हाई टी सर्व हो रही है, तो लेट्स सी कि यहाँ पे कैसा रहेगा। देखिए ये रहा पूरा इलाका, ये स्विमिंग करते लोग यहाँ पे एंजॉय करते, और वहाँ पे गाय चल रही हैं। मैंने कोशिश की कि मैं वो कोर जोन के उधर से जाऊँ, मैंने परमिशन लेने की कोशिश की, मगर मुझे मना कर दिया कि क्योंकि वो एकदम कोर एरिया है, वहाँ पे कोई वाइल्ड एनिमल हो सकता है, तो आप ना जाएं तो वो बेटर है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा थोड़ा सा एडवेंचर हो जाता मैं जाती। वहाँ पे एक नाका है जहाँ पे लोग फॉरेस्ट की रखवाली करते हैं, कोर जोन एरिया है ये, और बहुत ही खूबसूरत। सुबह का समय और आज का मौसम लाजवाब, बहुत बढ़िया। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठा तू क्या आसमान देखता है। ये देखा आपने व्यू, ये है व्यू, कितना खूबसूरत है। देखिए ये है तालाब, और यहाँ पे वो रहा कोर जोन, और ये रही बर्ड। यहाँ पे आप लोग बैठ के आनंद ले सकते हैं, चाय कॉफी, सी द रॉक्स हियर। ये कितना खूबसूरत है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। देखिए यहाँ पे तालाब, और तालाब में ज़रूर जानवर आते होंगे पानी पीने के लिए। वो रहा कोर एरिया, और यहाँ पे ये लेपर्ड के छुपने की जगह, ये रॉक्स में लेपर्ड छुपते हैं, ये लेपर्ड के छुपने की जगह, वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे और क्या हट्स हैं, तो देखेंगे। ये देखिए घोस्ट्री, आज हम बहुत पास से घोस्ट्री को देखेंगे। सूरज देवता सामने, और ये खूबसूरत जगह बहुत मनमोहित करती है। ट्रीज यहाँ के खासकर बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। देखिए ऊपर टेरेस पे भी आप लोग अपना खाना एंजॉय कर सकते हैं। पता नहीं कौन से फूल हैं, फूलों का पेड़ बहुत सुंदर, पेड़ बहुत सुंदर हैं रॉक्स के बीच में। सनसेट होता हुआ देखिए, पानी में भी यहाँ पे भी सनसेट की रिफ्लेक्शन है, और ये पेड़ों के बीच में खूबसूरत सा सनसेट होता हुआ, बिल्कुल शांत तालाब। उधर कोर जोन, शाम को यहाँ पे जानवरों की आवाज़ें, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो देखिए हाई टी, शाम का टाइम, सो यू हैव चाय, टी, कॉफ़ी, और क्या है यहाँ पे? दिस इज मिक्स वेज पकौड़ा, वाओ, चटनी सॉस। ये देखिए बहुत सुंदर है इसका डिज़ाइन, और ये रिजॉर्ट बहुत ही खूबसूरत, कितना बड़ा है, स्पेशियस है। और आप यहाँ पे ये रिवर, ये तालाब को देखते हुए आप ये कर सकते हैं घोस्ट्री, इसको बोलते हैं घोस्ट्री। ये 3 बार अपने रंग बदलता है ये ट्री। आप नेचुरलिस्ट से जब बात करेंगे तो इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे। ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स, आप आराम से घूमिए, बड़े बड़े लॉन्स, और मजे लीजिए। ये रॉक्स कितने सुंदर है ना, और ये पेड़, वाह। ताला लगा, आई डोंट नो नीचे जाना अलाउ है कि नहीं, लेकिन जगह तो बना है ये नीचे जाने के लिए, मे बी क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवर आ सकते हैं, ये करके इन लोगों ने इसको बंद किया हुआ है, राइट।
पूरा जंगल का इलाका, पेड़ बोगनवेलिया, वाओ। देखिए नंदी भगवान, वो प्रणाम, शंकर जी का मंदिर बहुत ही सुंदर। ये देखिए ये देखिए, फेंसिंग लगाई हुई है ताकि यहाँ पे कोई जानवर ना आ सके, वरना उससे जाना अलाउड नहीं है। वो पूरा कोर है, जैसे कि ये हमारी जो प्रॉपर्टी है कोर को फेसिंग करती है, कोर को फेस करती है, राइट, कोर, बिल्कुल कोर जोन है। नेशनल पार्क के अंदर से जो गेस्ट घूमता है, हाँ, कोर जोन, हाँ, तो हमने काफी एक महीने पहले यहाँ पे हमने टाइगर की प्रॉलिंग कंटिन्यू, अच्छा, डियर्स की कॉल, हाँ, और कई बार तो सर ये जो प्रॉपर्टी, ये जो अपना पहाड़ है, यहाँ से एक रास्ता है, हाँ, यहाँ पे हमने टाइगर, स्लॉथ बियर, हाँ, ये सबको हमने वॉकिंग करते, हमने सीसीटीवी कैमरा में फुटेज ओके देखे, ओके, तो ये इतना अच्छा हमारा एडवेंचर है, बहुत एडवेंचरस है। अभी एक सप्ताह पहले मेरे स्टाफ ने यहाँ पे लेपर्ड भी देखा, जैसा फर्स्ट गेट है, हाँ, उससे थोड़ी दूर पे लेपर्ड देखा उसने, और अच्छा, सेकेंड डे फिर एक स्टाफ को हमें वो लेपर्ड देखा, अच्छा, ये इवनिंग का टाइम था, करीब 5:30 बजे, अच्छा, ओके, तो इतना एडवेंचर है हमारी प्रॉपर्टी। मैं तो देख ही रही हूँ एडवेंचर, मेरा तो बाहर से अंदर आने का मन ही नहीं था। कई बार तो मैम हमने टाइगर मेल फीमेल की रावरिंग सुने हैं, हाँ, रावरिंग एक लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से, अच्छा, इतनी अच्छी रावरिंग होती है यहाँ, ओके, वो एक्चुअली वो मेटिंग का टाइम होना चाहिए, ओह यस, डिपेंड करता है कि वो किस सीजन पे है, ओके, बेसिकली हमें अच्छी टाइगर की राउरिंग सुनने को मिलती है विंटर टाइम, विंटर टाइम पे, जी, ओके, विंटर टाइम बेस्ट होता है, आएंगे हम विंटर में, जी, ओके, ये रहेगा, बहुत बढ़िया, नहीं प्रॉपर्टी तो बहुत ही बढ़िया है, एकदम अलग हटके है, और जो इलाका ये देखो, ये बफर जोन, वो कोर जोन, वो पगडंडी पे आप अगर आगे घूमने चले जाए तो क्या होगा, होता जैसे ये ट्रैक बना हुआ है, अगर आगे तक जाए तो मैम हम लोग आप लोग जा सकते हैं, हाँ, बट वो अदरवाइज हमारा एक आदमी रहेगा आपके साथ, हाँ, क्योंकि सेफ्टी के हिसाब से, हाँ, ऐसे अदरवाइज हम आप लोगों को रेकमेंड नहीं करेंगे, रेकमेंड नहीं करेंगे, हाँ, हाँ, क्योंकि इसमें क्या है, फॉरेस्ट का जो रूल्स है वो बहुत सारे स्ट्रिक्ट होते हैं, हाँ, और जैसे आप मैम हमारा जो डाइनिंग पे जो व्यू है उसके लेफ्ट साइड में देखेंगे तो वहाँ पे एक फॉरेस्ट का पेट्रोलिंग नाका है, अच्छा, तो वो लोग पेट्रोलिंग करते रहते हैं, अच्छा, तो उनको भी हमको मतलब साथ में कवर करके चलना पड़ता है, तो हम ज्यादा गेस्ट को वो अलाउ नहीं करते, ओके, सुबह के टाइम पे किसी के साथ, नेचुरलिस्ट के साथ मे भी ये रिवर तक जा सकते हैं, मैम ये तो एक्चुअली में रिवर तो नहीं है, सॉरी, पॉन्ड है, लेक है, लेक है, हाँ, मैनमेड और फॉरेस्ट मेड, फॉरेस्ट मेड सर, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, हाँ, तो हमारा नेचुरलिस्ट के साथ आप जा सकते हैं, उनके साथ जा सकते हैं ना, ओके, तो वो आपको काफी अच्छे से बर्ड्स के बारे से बता देंगे, हाँ, और यहाँ पे क्या क्या होता है, होते हैं टूरिस्ट, हाँ, टाइगर, हाँ, हेमराज जी आपसे मिलके तो बहुत अच्छा लगा, और आप यहाँ पे कल मतलब आपकी ड्यूटी कब तक, कब से कब तक है? मैं तो एनी टाइम यहीं पे रहता हूँ, हर टाइम, तो आपसे तो कभी भी हम बोलेंगे, मुलाकात कर सकते हैं, बड़े स्ट्रिक्ट होने भी चाहिए, बहुत बहुत सर, मैम यहाँ तक हम लोग फॉरेस्ट वाले हमें म्यूजिक अलाउ नहीं करते यहाँ पे, अच्छा, काफी ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, और हम उसको जो फॉरेस्ट रूल है उसको हम कवर करके चलते हैं, क्योंकि हमको फॉरेस्ट और एडवेंचर को हम खूब दोनों को एक साथ होके चलना है, राइट, इस वजह से हम वो म्यूजिक वगैरह अलाउ नहीं करते, वेरी गुड, अच्छा यहाँ पे कितने कॉटेजेस हैं? मैम यहाँ पे 18 कॉटेजेस हैं, 18 हैं, जी, आप एक चीज मुझे ऑनेस्टली बताइएगा, कौन सा ऐसा कॉटेजेस जिससे व्यू बेस्ट है? मैम हमारे सारे कॉटेज के व्यू एकदम बेस्ट है, अच्छा, अच्छा, हमारी प्रॉपर्टी के बारे से बता देता हूँ, हमारे जो प्रॉपर्टी में जो सारे कॉमन एरियाज हैं वो हमारे लेक फेसिंग में, ओके, फाइन, और जो सारे जो हमारे कॉटेजेस हैं वो फॉरेस्ट फेसिंग में, अंडरस्टूड, जी, ओके, आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? मैं तो यही लोकल हूँ मैम, मेरा घर यहाँ से जस्ट 3 किलोमीटर है, बस, यस, 3 किलोमीटर, नहीं, हेलो, ये देखो दोस्तों, अभी अभी मैं बात कर रही थी फोन पे, तो यहाँ के मैनेजर ने बोला कि मंकी कॉल कर रहा है, और मंकी की कॉल बहुत सटीक होती है, मंकी की कॉल का मतलब टाइगर, लेपर्ड या टाइगर, सुनिए आप आवाज सुनिए मंकी की कॉल की,
मंकी की आवाज, ये देखिए खोलिए मत, खोलिए मत, बाहर भी जा सकते हैं। हाँ सर गए, मत जाओ, देखिए मंकी कॉल कर रहा है, इसका मतलब लेपर्ड या टाइगर यहीं पर ही है। कॉल है तुम अंदर टॉर्च नहीं है सर, डिटेक्ट टॉर्च सर, इसका नहीं है, इतना रिस्क नहीं है। मंकी है, इसका मतलब लेपर्ड होगा आसपास। टॉर्च है हमारे पास, क्या टॉर्च? टॉर्च मारेंगे ना तो डर जाएगा लाइट से। ये मंकी, ये भी मंकी सर, ये पूरी कॉल मंकी की है सर। ये सबको अलर्ट कर रहा है कि आसपास खतरा है, सब अलर्ट हो जाए। ग्रुप लीडर है ये, इसने कुछ देखा होगा। राइट, पेड़ के ऊपर कहीं ना चढ़ा हूँ, ऊपर चढ़ता नहीं तो अभी तक काफी वो हल चलो जाती। ये जो खांसी टाइप है ये भी बंद है, ग्रुप लीडर है ये। नजदीक ही कर रहा है, बिल्कुल पास में है। ये होगा तो डिटेक्ट होगा सर। और कंटिन्यूस कॉलिंग है, इसका मतलब लेपर्ड आसपास ही कहीं पर। यस सर। ये देखिए पत्ते भी ले, ये भी मंकी है सर, इसकी नॉर्मल कॉल है, भूख ये तो अलर्ट है सर, अलर्ट कॉल है, अलर्ट कॉल है। ये सब लोगों को अलर्ट कर रहे हैं। अच्छा, कि सारे अलर्ट हो जाएं, ग्रुप लीडर है। और देखिए दोस्तों लेपर्ड एकदम आसपास है, मैं हम यहीं खड़े हुए हैं, बफर जोन है ये, सामने कोर जोन है, आसपास है लेपर्ड कहीं ना कहीं। ये देखिए आप, अभी लंगूर तो बहुत है यहाँ। राइट, हिमराज जी ज्यादा आगे मत जाइए, ये यहाँ के मैनेजर हैं रिवरवुड के, हिमराज जी, जिन्होंने जो हमें अलर्ट किया। अभी हम यहीं वॉक कर रहे थे, अभी मैंने आपको वॉक दिखाई थी, हम यहीं तो वॉक कर रहे थे, मैं यहीं पर खड़ी हुई थी अभी, और यहीं पे लेपर्ड था, और यहाँ पे मंकी अभी कॉल कर रहा है। ये देखिए आप, चार पांच दिन मुझे पटेका चल रहा, चार पांच दिन से लेपटे का। ये बोला ना कि तीन चार दिन हो गया थी लेपर्ड का इधर, हाँ मोमेंट था, चार पांच दिन से लेपर्ड का, हो सकता है अभी यहीं से कहीं गुजर जाए। राइट, यस मैम, हम अभी यहीं घूम रहे थे, मैं तो वो कोने से भी आगे चली गई थी। नहीं, ऐसे अटैक नहीं करते सर टाइगर लेपर्ड, ऐसा अटैक नहीं करता, आप बिलीव नहीं करोगे सर। ये वाला पेड़ के सामने मैंने, कहाँ पे? ये पेड़ के सामने मैम। ओके, पेड़ से आगे थोड़ा। हाँ हाँ, मैंने यहाँ के जो अपने जो ओनर थे मैम एक्सपोल के हमारे, मैंने उनको 15 मिनट तक लेपर्ड दिखाया मैं। अच्छा, बहुत नजदीक इस पेड़ की दूरी पे, तो ऐसे अटैक नहीं करते। अच्छा, तो आप भी वो पैदल ही थे? जी मैम। अच्छा, आप लोग कहाँ पर थे? हम लोग बस रोड के किनारे थे सर। अच्छा, इतनी देर तक मंकी की कॉलिंग चल रही है, स्ट्रेस कॉलिंग है ये, और ये ग्रुप लीडर है, ये सारे मंकी इसको अलर्ट कर रहे हैं,
और लेपर्ड यहीं पर आसपास है दोस्तों, ये देखिए। ये नॉर्मल कॉल नहीं, नहीं ये भी अलर्ट कॉल है ये मंकी की, और इसकी कॉल बहुत सटीक होती है। यस मैम, इसकी कॉल का मतलब श्योर शॉट 100% यहाँ पे लेपर्ड है। कई बार डियर सामर डियर की कॉल इतनी सटीक नहीं होती, लेकिन मंकी की कॉल बहुत सटीक होती है। ये देखें, इसकी आंखें भी तो चमक जाती हैं। यस मैम, दूर होगा मैम, ये पत्थर पत्थरों के बीच में होगा, क्योंकि पत्थरों की पहाड़ी है मैम, ये पहाड़ है पूरा। क्योंकि अगर सामने उसकी आंखें चमकेगी ना, आंखें चमकती है मैम उनकी। हाँ, वो लंगूर को नजर आता है हमें, लंगूर को नजर आता है। चले चले, देखिए स्ट्रेस कॉल है, मंकी अलर्ट कर रहा है, और हम यहीं पे अभी वॉक कर रहे थे, पूरा वॉक किया हमने यहाँ पे। और मैंने तो अकेले वहाँ, जब यहाँ पे खड़ी थी मैं और मेरा अंदर आने का मन ही नहीं हो रहा था, पूरा वहाँ तक वॉक कर रही थी। और देखिए यहीं पे लेपर्ड है, यहीं पे कहीं है वो, और ऊपर मंकी। देखिए कैसे अलर्ट कॉल एकदम स्ट्रेस कॉल कर रहा है कॉन्टिन्यूस। देखिए ये देखिए, क्योंकि मंकी ने लेपर्ड को देख लिया है, आसपास ही लेपर्ड है कहीं, और लेपर्ड पेड़ पर चढ़ के अटैक कर सकता है। सारे मंकीज इस टाइम पर पेड़ पे होते हैं, और लेपर्ड ऐसा है जो पेड़ पर चढ़ सकता है और अटैक कर सकता है, इसीलिए इसकी अलर्ट कॉल है ये। और लेपर्ड यहीं पर है कहीं, इतना एडवेंचर है इस जगह पे। ये देखिए, बाकी नहीं कर रहे कॉल, बिकॉज ग्रुप लीडर है उनका, वो कर रहा है। क्या बात है, देखो। वरना बहुत सारे यहाँ पे मंकीज हैं, सब एक साथ भी कॉल कर सकते हैं। फिर एक बात है हेमराज जी, अगर सारे ये कॉल करने लग गए लंगूर, तो लेपर्ड को उनकी लोकेशन पता पड़ जाएगी, बिल्कुल चल जाता है, इसलिए सब नहीं कर रहे। हाँ। सब शांत है, केवल ग्रुप लीडर कर रहे हैं। उतना अटैकिंग पॉइंट में नहीं है मैम लेपर्ड जो है। हाँ। तो अटैकिंग पॉइंट में होता है, सारे अलर्ट कॉल करते हैं मैम, सारे अलर्ट कॉल करते हैं। अभी वो हो सकता है एक ग्रुप लीडर ने उसको जाते हुए देखा होगा, इस वजह से वो सिर्फ अकेला ही कर रहा है, क्योंकि अभी उनको खतरा महसूस नहीं है मैम। अच्छा, उनको खतरा महसूस होगा तो सारे कॉल करेंगे। जी हाँ मैम। और लेकिन इनकी कॉल से लेपर्ड को इनकी लोकेशन भी पता पड़ेगी? हाँ, हाँ, पता या पता वैसे भी पता पड़ती होगी स्मेल से ऐसा कुछ? नहीं, स्मेल से तो मैम बंदरों को नहीं पता चलती वो। अच्छा। देखा जाए तो बंदरों को काफी ऊपर होते हैं बंदर, तो हाँ, हाँ, स्मेल तो ले नहीं पाएंगे वो। ओके। स्मेल से जो जमीन पे जैसे लाइक डियर, स्पॉटेड डियर, सांबर डियर, इनको स्मेल से पता चलती है, बाकी मंकियों को तो नहीं मैम। मंकी तो ऊपर से पूरा देख के अपना अलर्ट कॉल चालू कर देता है। देखो अभी तो कॉल हो रही है जी। बहुत बढ़िया, ये कितनी देखिए एडवेंचरस प्लेस है ये, और इस टाइप पूरा लाइट अप है ये, और बफर जोन और कोर जोन के बीच में ये रिवरवुड रिट्रीट, अमेजिंग। और हेमराज जी संभाल रहे हैं इसको, मैनेजर यहाँ के, बहुत अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे आए आप लोग, एडवेंचर अगर करना है तो रियल एडवेंचर जो रियल में होता है, बाय गॉड इससे ज़्यादा पास में क्या होगा। क्या हुआ हेमराज जी, हम लोगों ने परसों टाइगर देखा, टाइगर बिल्कुल हमारे जीप के सामने से निकला। अच्छा। तो हमने कहा इतना क्लोज हमने टाइगर देखा। हाँ। तो हमारे साथ जो बैठे थे उन्होंने कहा इससे ज्यादा क्लोज तो ये होगा कि आप अपनी गोद में बिठा लें उसको। तो ये वैसे ये प्रॉपर्टी है, इससे ज्यादा क्लोज और क्या होगा, है ना, एडवेंचर के बहुत क्लोज है ये। ये भी बड़ा अच्छी आपने बैटरी वाली कार रखी हुई है। हाँ। रात तक भी आपको शेयरिंग का कोई ऑप्शन होता है तो बताइएगा। जी मैम। लोग इसको देख के एक्साइटेड हो जाएगा। तो इस फील्ड को जानते हैं। हाँ। जो इस फील्ड को जानते हैं। हाँ। आपकी कितनी हाइट है, अमिताभ बच्चन से कम है कि उतनी है? कम। उससे कम है? कितनी हाइट होगी आपकी? 6 के लगभग। काफी हाइट है। अगर अमिताभ बच्चन इससे भी बड़ा हुआ तो कैसा लगेगा? आप तो बहुत लंबे हैं। तो आप यहाँ पे चीफ शेफ हैं, सबसे बेस्ट क्या बनाते हैं आप? सबसे बेस्ट उसमें यहाँ पे ऐसा है सिग्नेचर जो चलता है अपने यहाँ, क्योंकि ये तो वाइल्ड लाइफ एरिया है, यहाँ पे नहीं कह सकते कि यही चीज मिल जाएगा। राइट। क्योंकि यहाँ पे सब्जी के लिए भी हमको यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है। राइट। हाँ। जैसा मोर्चा है। हाँ। इधर पे जाना पड़ता है। हाँ।
उसके हिसाब से अवेलेबल जो हो जाता है, लेकिन क्या है हिसाब से ही काम करना पड़ता है अपन, क्योंकि हम लोग जो इलाका भी ऐसा है जो हम कोर एरिया में बैठे हुए हैं, ये कान्हा नेशनल पार्क का कोर एरिया, ये बफर जोन, यहाँ पे तो चीज़ें मिलनी मुश्किल है ना। ओके, आप रहते कहाँ पे हैं? लोकल के रहते हो इसी गांव में? ओके, और टाइगर कितनी बार देखा है जी? टाइगर को कितनी बार देखा? टाइगर तो मैं इधर पे तो 2-3 बार देखे हैं। हाँ, जो कोर एरिया है उसी के अंदर देखे हैं हम लोग सफारी में। अच्छा, और लेपर्ड यहाँ चलते फिरते कभी काफी काल दिख जाता है? नाइट दिख जाता है नाइट में। आप कैसे कितने बजे घर जाते हो? क्या है 10:30-11 बजे नाइट में। अकेले जाते हो? नहीं, साथ में रहते हैं बाकी। बाइक पे या साइकिल पे? डर तो लगता होगा? नहीं, क्या प्रॉपर यही के है ना हम लोग, हमारी हैबिट बनी हुई है। हैबिट बनी हुई है आपकी। नहीं, ये इलाका बहुत खूबसूरत है। कल बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, खासकर आपकी हाइट, पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया है। कम नहीं है अमिताभ बच्चन से आप? लाइट देना राइट, कैंडल लाइट आप एंड कैंडल लाइट देना के लिए। वो भी आलू प्रिपेयर किया है, दिस इज पालक पनीर और मिक्स दाल है ये, और काफ़ी अच्छा खाना, और सामने कोर जोन एरिया, बहुत ही खूबसूरत माहौल। पनीर लेंगे सर? पनीर में तो प्याज होगा ही नहीं, मेरे में दे दीजिए थोड़ा सा, मुझे दे दीजिए थोड़ा सा ही दीजिएगा। बस बस बस, मैं अपने आप क्वांटिटी के हिसाब से वेस्ट नहीं करना चाहता। बर्ड्स की आवाज़ है, वहाँ दूर एक लाइट जल रही है, आई डोंट नो किस क्या है वहाँ पे, पता नहीं, मैं पता करती हूँ। और ये माहौल है यहाँ पे रात का, रॉक्स हैं, हमने आपको बंदर की कॉलिंग अभी सुनाई, वहाँ पे लेपर्ड था, और मैं वहाँ पे वहीं पे वॉक कर रही थी थोड़ी देर पहले। यहाँ पे सामने नदी है, रात में इतनी नज़र नहीं आती, लेकिन यहाँ पे जंगली जानवर तो घूमते रहते हैं, इस टाइम पे आपको कोई कॉलिंग भी नज़र आ सकती है। एक चिड़िया लगातार कॉल कर रही है, देखिए ये पूरा रिवरवुड फॉरेस्ट रिट्रीट इन द इवनिंग, शाम के टाइम, खूबसूरत चांद ऊपर, और देखिए बहुत ही खूबसूरत।